नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेस टू के अंदरूनी भाग में खड़ा हूं। यहां से आपको मैं दिखाता हूं कि आज 15 जुलाई तक क्या अपडेट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप मुझे सुपर थैंक्स के द्वारा भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर रेलिंग का काम अभी कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इस तरफ से भी दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये हम अंदर जा रहे हैं अभी। यहाँ सब रेलिंग लगा हुआ है डाइवर्ट करने के लिए। ये देख रहे हैं, रेलिंग पूरा कांवड़ियों के लिए और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरा बैरिकेड्स करके इनका रूट तय कर दिया गया है कॉरिडोर के अंदर ही। देख रहे हैं, हम ऊपर आ गए हैं गणेश प्रतिमा के पास, और सामने ही राइट साइड मुड़ जाना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 1 आ जाएगा। ये हम कॉरिडोर के पास चल रहे हैं अंदर में गेट नंबर, और देख रहे हैं आप किस प्रकार यहाँ पर बैरिकेड्स करके आने जाने का रास्ता तय कर दिया है। सामने गेट नंबर 1, दिन के 12 बज रहे हैं और काफ़ी प्रचंड धूप है। देख रहे हैं, अभी श्रद्धालु अभी 9 के बराबर हैं क्योंकि धूप काफ़ी कड़ी है। देख रहे हैं, पूरा रेलिंग से कवर कर दिया गया है, उनके आने जाने का रास्ता श्रद्धालुओं के लिए तय कर दिया गया है। कॉरिडोर में इधर उधर न जाके एक निश्चित तय जगह से वे आएंगे और दर्शन करेंगे। ये गेट नंबर 1 आप देख रहे हैं, और इस प्रकार की टेंट की व्यवस्था पूरे रूट में इनको करना चाहिए था क्योंकि काफ़ी धूप तेज है। देख पा रहे हैं आप, जैसा कि गेट के सामने किस प्रकार बैरिकेडिंग करके पूरा रास्ता को डिवाइड कर दिया गया है, और ये गंगा द्वार की तरफ चले जाता है आगे। यहाँ आप देख रहे हैं सामने काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर, यहीं से आप स्वर्ण शिखर के दर्शन कर लीजिए। देख रहे हैं पूरा किस प्रकार डायरेक्शन सब जगह लिख दिया गया है, और ये आप देख रहे हैं गेट के सामने वाला मंदिर। देख रहे हैं, मंदिर का काम अभी रोक दिया गया है क्योंकि सावन शुरू हो गया है, तो ये मंदिर का काम भी अभी रुक गया है। ये सामने आप देख रहे हैं अमृतेश्वर महादेव मंदिर, ये इस तरफ का दृश्य है। इस तरफ काफ़ी सुनसान रहता है अभी, और ख़ास करके अभी दोपहर का वक्त है तो काफ़ी सुनसान है। देख रहे हैं अमृतेश्वर महादेव मंदिर,
उनका शिवलिंग है। ये देख रहे हैं इस समय श्रद्धालुओं की बहुत ही कमी है क्योंकि धूप जबरदस्त पड़ रहा है। और इसी प्रकार अगर धूप रहा तो श्रद्धालुओं को सुबह सुबह दर्शन करना पड़ेगा या फिर शाम के वक्त। देख रहे हैं सब श्रद्धालु आए हुए हैं। चलिए लिफ्ट से नीचे चलते हैं। लिफ्ट से नीचे चलते हैं और कॉरिडोर के बाहर का दृश्य आपको दिखाते हैं। जितने भी श्रद्धालु अगर ऐसे धूप रहा तो उनको सुबह सुबह आकर दर्शन करना पड़ेगा क्योंकि धूप बहुत ही तेज है। इधर भी आप देख रहे हैं जैसा कि वीडियो में, यहाँ भी अभी जितना काम होना था अभी हो चुका है, लेकिन कुछ काम जो था बचा वो उसको रोक दिया गया है। अभी देख रहे हैं जहाँ श्रद्धालुओं को जगह मिल रही है वहीं पर अपना छांव में विश्राम कर रहे हैं। काफी कड़क धूप। और ये शंकराचार्य जी की प्रतिमा। ये देख रहे हैं गेट नंबर 1 जाने का रास्ता गंगा द्वार से। गंगा व्यू गैलरी। चलिए एक बार यहाँ से एक बार बाहर का दृश्य आपको दिखा देते हैं। गंगा द्वार के पास भी नीचे सीढ़ियों में लकड़ी का बैरिकेड्स कर दिया गया है और अभी भी यहाँ काम चल रहा है बैरिकेडिंग का, लगाने का। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और नीचे आप देख रहे हैं ललिता घाट महल के ठीक सामने में पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं रैंप के बगल से नीचे मणिकर्णिका घाट। ये सब श्रद्धालु आते हुए मणिकर्णिका घाट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ। चलिए रैंप के अंदर से चलते हैं नीचे की तरफ। ये हम आ गए हैं रैंप के पास।
और यहीं से हम नीचे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं एक भी वर्कर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है और थोड़ा वो जो बचा भी हुआ है वो ये सावन महीने के बाद शुरू होगा। तो लेबरों की भी अभी आवागमन उन लोगों का कम हो गया है। आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट के ऊपर जो छत पर चार पोल खड़े हुए हैं जहाँ से धुआं निकलता है। कल वहाँ पर भीषण आग लग गई थी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ कल भीषण आग लग गई थी ये मंदिर के ऊपर वाले भाग पर, जिनको फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाया गया और काफ़ी बड़ी दुर्घटना होते थे कल बच गई। मंदिर के ठीक ऊपर वाला दृश्य आप देख रहे हैं, वहीं पर आग लग गया था टी शर्ट ऊपर जो दिखाई दे रहा है, और ये चार पांच छह जो चिमनी दिख रही है वहीं पर। चलिए आगे चलते हैं रैंप से नीचे। ये आप देख रहे हैं राजा डॉक्टर बलदेव दास बिरला यात्री निवास, सामने देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट पे स्थित है। चलिए हम रैंप से नीचे उतर रहे हैं। रैंप में देख रहे हैं अभी पूरा खाली है रैंप, यहाँ थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो सबसे नीचे भाग में। ये देख रहे हैं नीचे में यहाँ काम चल रहा है रैंप के। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पूरा अभी वायरिंग का काम चल रहा है रैंप के सबसे निचले वाले भाग पे। ये हम आ गए हैं रैंप के बाहर। ये देख रहे हैं रैंप के बाहर निकलते ही आप ऊपर में गंगा द्वार देख रहे हैं। चलिए आगे ललिता घाट के सामने का दृश्य दिखाते हैं। देख रहे हैं ये पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है, कॉरिडोर गंगा द्वार के ठीक सामने नीचे की तरफ। बैरिकेडिंग करके आने जाने का रास्ता निर्धारित कर दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ घाट के ऊपर जो महल स्थित है वहाँ भी अभी काम रुका हुआ है। ये
देखिए पूरा फेरी कटिंग। यहाँ पूरा घूम घूम के लोगों को जाना पड़ेगा कि जैसे भीड़ कंट्रोल रहे। काफ़ी तेज भी हवा चल रही है इस समय और धूप, एकदम प्रचंड धूप है। श्रद्धालुओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इस धूप में दर्शन करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।